جلالت مهاب عمران خان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دی افغانستان دی اسلامی جمهوریت دی جمهوری ریاست دی تشریفات و کندک منصوبین و نظام ترتیب او استاد دی ماینده ویال لري. دی جمهوری ریاست دی تشریفات و کندک بلندای دکروال عبدالرحیم اسمتی. में वजीर आजम इमरान खान के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। इस वक्त वजीर आजम इमरान खान अफगान सदर अशरफ खानी के हमराह गार्ड ऑफ ऑनर के मुआयने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं अफगान सदारती महल काबुल से बराह रास्त बाज़ाब्ता गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया वज़ीर आज़म ने अफगान सदर अशरफ गनी के हमराह। और इस वक्त दोनों रहनुमा एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और अब से कुछ देर बाद दोनों रहनुमा एक दूसरे के वफ़द से बाकायदा एक दूसरे का तआरुफ भी कराएंगे। और इस दौरे में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर तिजारत अब्दुलरज़ाक दाऊद और दीगर आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमराह हैं। अहमियत का हामिल ये दौरा है और तआरुफ कराया जा रहा है इस वक्त अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से अपने वफ़द का वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा अफ़गानिस्तान काबुल में अफगान सदारती महल में इस वक्त मौजूद हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान का तारुफ करा रहे हैं अफगान सदर अशरफ गनी अपने वफ्द के अराकीन से।
अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इस दौरे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बिलखसूस फ्यूचर में दोनों ममालिक का विजन जो है वो खासा कॉमन होगा। और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान अफगान सदर अशरफ गनी का अपने वफद के साथ तारुफ करा रहे हैं। वज़ीर आज़म अफगान सदर से मुलाकात भी करेंगे और अफगान सदर अशरफ गनी के साथ होने वाली इस मुलाकात को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है, जबकि दोनों रहनुमा वफूद की सतह पर भी बातचीत करेंगे। बाहमी ताल्लुकात के हवाले से इस दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। दोनों ममालिक तारीखी ताल्लुकात में जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की हर मुश्किल घड़ी में मदद की है। बिलखसूस अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान वो पहले रहनुमा हैं जिन्होंने बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर बाज़ाब्ता और बड़े मुस्तहकम अंदाज में इस बात का ऐलान किया कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है, सिर्फ मुज़ाकरात और सियासी हल ही मुज़ाकरात की सूरत में अफगानिस्तान को इस्तेहकाम बख्श सकते हैं। और इस पर फिर बाद में अमरीका की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया, खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद और DGISPR भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमराह हैं। इस वक्त ये मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए हैं, अफगान सदारती महल पहुंचे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और कुछ ही देर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान के दौरे पर काबुल पहुंच गए, अफगान सदारती महल पहुँचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वफद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया अफगान वज़ीर ख़ारिजा हनीफ अतमर की जानिब से। और वज़ीर आज़म इस दौरे में अफगान सदर से मुलाकात करेंगे, बाहमी ताल्लुकात, अफगान अमन अमल, इलाकाई रवाबित और इक्तसादी तरक्की पर बात हो जाए की जाएगी। इस दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी हैं। उनके वफ़ में मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद, DGISI और आला हुकाम भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। जी समीना बिल्कुल, और अगर हम बात करें अफगानिस्तान के हवाले से तो अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है, जिसे हर बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर सराहा गया है। और अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनको दुनिया भर की जानिब से भरपूर सराहा गया है और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर पाकिस्तान की हौसला अफजाई भी की गई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आए और तवील खाना जंगी खात्मा हो और अफगानिस्तान मुस्तहकम हो, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बाहमी दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं वो दौरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग होते हुए उनको एक इस्तेहकाम मिले, माशी तरक्की जो है वो हासिल हो सके और बिलखसूस तजारती सतह पर जो है वो बात हो सके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और इक्तसादी बहाली पर बात हो, इक्तसादी तरक्की पर बात हो, ताकि दोनों मुल्कों के अवाम यकसां तौर पर इन मौाक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें, बेरोज़गारी का खात्मा हो सके, रोज़गार के मौाक़े पैदा होंगे। और इन्हीं उमूर पर बात करने के लिए आज वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान के दौरे पर काबुल पहुंचे हैं, इस वक्त अफगान सदारती महल में मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, और अब से कुछ देर बाद उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। इससे पहले जब अपने वफद के हमरा वज़ीर आज़म इमरान खान काबुल पहुंचे तो अफगान वज़ीर ख़ारिजा हनीफ अतमर ने वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वफद का इस्तकबाल किया। ओहदा संभालने के बाद वजारत उस्मा का वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान का ये पहला दौरा है और माहरीन इस दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया दे रहे हैं। और समीना इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों ममालिक की क़यादत जो है तारीख़ी ताल्लुकात में एक दूसरे के साथ बंधी हुई है, जुड़ी हुई है, और जहाँ भी पाकिस्तान में जब मुख्तलिफ मौाक़े पर अफगानिस्तान के आला हुकाम की जानिब से यहाँ पर वो लोग आए और उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने इसी अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इस्तेहकाम और तरक्की के मनाजिल तय करना चाहते हैं और इस खत्ते में खुशहाली लेकर आना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुख्तलिफ शोबा जात ऐसे हैं जिनमें बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ तआवुन करके इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं, तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तय कर सकते हैं, और बिलखसूस अफगानिस्तान में जारी जो खाना जंगी है और अफगानिस्तान में जो गुरबत की लकीर के नीचे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनका मायार ज़िंदगी जो है वो बुलंद किया जा सकता है। तो अवामी सतह पर भी दोनों ममालिक के दरमियान क़ुव्वत और भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत करना चाहते हैं, ठोस बुनियादों पर मुख्तलिफ शोबाजात में तरक्की का एक रोड मैप जो है वो वज़ा करके और उस पर प्रैक्टिकली काम करके।
जी हाँ बिल्कुल, और इसी तनासुर में आज वज़ीर आज़म के इस एक रोज़ा दौरे को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मनाज़र आपने भी बात की कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से हमेशा से ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान के मसले का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात में है, और उसके बाद हमने देखा कि इसी मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया और अब अफ़गानिस्तान में अमन अमल भी शुरू है, मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हमेशा से इस बात पर तवज्जो देते रहे, दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाते रहे कि अफ़गानिस्तान का अमन पूरे खित्ते के अमन के लिए बेहद ज़रूरी है और अफ़गानिस्तान की आवाम को उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का इख्तियार उन्हें खुद होना चाहिए, ना कि कोई बैरूनी कुव्वतें या बैरूनी अनासर अफ़गानियों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। तो ये फ़ैसला अफ़गानियों को खुद करना है। अफ़गान अमन अमल इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है, जिस मराहिल में है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हमेशा यही बात की है कि जो बैरूनी अनासर हैं जो कि इस अमल को ख़राब करना चाहें तो उस पर भी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी।